अमेरिका में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव हो रहे हैं। चुनाव परिणामों को लेकर खबर है कि बाइडेन बाजी मार सकते हैं। अगर बाइडेन अमेरिका में चुनाव जीतते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के लिए कैसी स्थितियां रहेंगी, बाइडेन की जीत के क्या मायने हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ साउथ अमेरिका में पूर्व राजदूत रहे जितेंद्र त्रिपाठी जी हैं। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। धन्यवाद। जी सर, बाइडेन को कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड मत मिल रहे हैं अमेरिका में, सबसे ज्यादा वोट पाने वाले पहले शख्स जो बाइडेन है, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, जो बाइडेन को 7.25 करोड़ के करीब मत मिल चुके हैं, जबकि पिछली बार इससे ज्यादा रिकॉर्ड, इससे पहले रिकॉर्ड ओबामा का था, डेमोक्रेटिक पार्टी के ही, और उनको करीब 6 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे। ये इसलिए भी देखा जा सकता है कि इस बार दोनों ही पक्षों ने ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने समर्थकों से आकर के या पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डालने की अपील की, क्योंकि इस वक्त इस ये वोटिंग जो थी, ये चुनाव बहुत ही पोलराइज्ड था, बहुत ही ध्रुवीकरण हो गया था। दोनों पक्ष, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप बहुत ही नीचे स्तर पर उतर के लगाए जा रहे थे, और दोनों पक्षों के मतदाता भी एकदम से बट गए थे, एकदम दो फाड़ अलग हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष ये कोशिश कर रहे थे कि उनके समर्थक आकर के या पोस्टल बैलेट से वोट डालें, इसीलिए इतने ज़्यादा अभी वोट मिले हैं। लेकिन अभी इससे भी ज्यादा, अभी तो पोस्टल बैलेट पेंसिल्वेनिया में होना, उसकी पूरी काउंटिंग होनी बाकी, 8,90,000 वहाँ बचे हुए हैं, जॉर्जिया में बचे हुए हैं, और नॉर्थ कैरोलिना में बचे हुए हैं 3 लाख के करीब। तो ये सब जब होगा तब ये पिक्चर सामने आएगी, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि जो बाइडेन को इस वक्त, जो बाइडेन अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी बन गए। लीड मिलती हुई दिख रही है, तमाम जो रुझान और जो रिजल्ट आ रहे हैं अगर उसको हम मानते तो। सर, ट्रंप और उनके समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि चुनावों में धांधली हुई है, फर्जी वोटिंग हुई है, तमाम जो हथकंडे हैं वो बाइडेन टीम के लोगों ने अपनाए हैं। क्या ये माना जाए कि ट्रंप हताश हो गए हैं, या फिर ये माना जाए कि ट्रंप के समर्थक जो वीडियो अमेरिका या जो यूरोप के मीडिया में इस समय सर्कुलेट हो रहे हैं, उन वीडियोज में कुछ सच्चाई है? क्या कुछ गड़बड़ भी हो रही है अमेरिकी चुनाव में? देखिए, मेरे ख्याल से गड़बड़ कोई खास नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई होगी। पहली चीज तो ये कि मत पत्रों की वैधता जो है उस पर कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो मत पत्र इस तरह से बनाए जाते हैं और डाले जाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड होता है, दस्तखत होता है, उस पर कोई ऐसी समस्या नहीं आ सकती। जी दूसरी चीज ये कि अगर कुछ कुछ केसेस, जैसे मैं सवेरे किसी चैनल पे था तो कुछ रिपब्लिकन कह रहे थे कि कुछ केसेस ऐसे, रिपब्लिकन हिंदुस्तानी, कि कुछ कैसे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ कि वो 20 साल से किसी घर में रह रहे हैं, वहाँ किसी दूसरे के नाम से मतपत्र उनके पते पर आया है। लेकिन अगर मतपत्र दूसरे के पते पर भी आता है तो मत डालने वाले को तो पता है कि उसको किसको वोट देना है, और खास तौर से अमेरिका में जितना पोलराइज्ड है, वो तब तो अब और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है रिपब्लिकन के लिए कि उसको फर्जी नाम से वो अपना वोट भी डाल दे। तो ये चीजें, ये कहना कि वोटिंग में धांधली हुई है, ये सरासर गलत है। वैसे भी अमेरिका के 200 साल से ऊपर के लोकतांत्रिक इतिहास में, चुनावों के इतिहास में, अभी तक कुल 492 वोट फर्जी पाए गए हैं, और अमेरिका के इलेक्शन लॉज जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट जाता है कोर्ट में, जैसे कि ट्रंप गए हैं, तो ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी उसकी होती है कि धांधली हुई है, और अगर धांधली हुई है, अगर कुछ मतपत्र गलत पाए जाते हैं, तो कोर्ट उनका संज्ञान तब तक नहीं लेगा अगर, जब तक कि गलत पाए गए मतपत्रों की संख्या जीतने और हारने वाले के बीच जो अंतर है उससे ज्यादा अगर कम होता है, तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट वहां पर सीधे कर देता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो हार ही रहे थे, आप तो जीत ही रहे। आप आंकड़ों के हिसाब से चुनाव हार रहे थे, तो ऐसे में आपकी इस बात में बहुत ज्यादा दम नहीं है। समय खराब ना करते हुए कोर्ट कहता है कि जो रिजल्ट है
उसी को कंटिन्यू किया जाए। जी सर जी आप साउथ अमेरिका में रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व तो आपने वहां पे किया है, क्या लगता है इस बार अमेरिका में चुनाव में कौन से मुद्दे थे जो सबसे ज्यादा हावी रहे? आखिर ट्रंप की कमियां कहाँ पर रही? क्यों ट्रंप एक लोकप्रिय नेता होने के बावजूद, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ट्रंप एक मजबूत नेता के तौर पर भी थे, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप अमेरिका में चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तो चीज ये थी कि फर्स्ट अमेरिका, अमेरिकन फर्स्ट का नारा जो ट्रंप ने दिया था, उस नारे को जो बाइडेन भी भुना रहे हैं, तो वो एक तरह से उसकी काट हो जाता है ट्रंप के उसकी। दूसरी चीज ये थी कि ट्रंप ने ये बहुत कहा कि कोरोना वायरस की मिसहैंडलिंग चीन ने की, इसीलिए अमेरिका में कोरोना वायरस फैला इतना और दुनिया में फैला, और उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी अमेरिका का हाथ खींच लिया। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर चीन ने ऐसा किया तो वो तो करीब 8 महीने 9 महीने पहले किया, तब से आपने कोरोना को रोकने के लिए क्या कोशिश की? और ट्रंप पब्लिक फोरम पे भी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि कोरोना कुछ वो नहीं है, ट्रंप खुद ही वो नहीं लगाते, मास्क लगाते हैं, वो ये कहते हैं कोरोना को रिडिकुल करते हैं, उसका उपहास करते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टरों को पैसा बनाने का तरीका है, जबकि कोरोना से खुद ही वो पॉजिटिव पाए गए। तो ये जो विरोधाभास है, ये ट्रंप का ट्रंप की नीतियों का, ये उन लोगों को जिनको कहते हैं टॉस अप स्टेट या बैटल ग्राउंड स्टेट, जहाँ की जो भागों में बटे नहीं, जहाँ की क्लियर कट दीवारें नहीं, सीमा रेखा नहीं खींची गई है कि ये डेमोक्रेट है, इतने वो है रिपब्लिकन, वहाँ के लोगों को इसने इसने प्रभावित किया। दूसरी चीज ये कि इसी की वजह से ट्रंप ये कहते हैं कि इकोनॉमी खराब हुई है। ठीक है, इकोनॉमी खराब हुई, कितने लोगों की नौकरियां गई? 30-35 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई। कितने लोगों की नौकरियां गई, अब जिनकी नौकरियां गई उनमें से कितनों को मिली? कुछ लोगों को कुछ दो एक बार कुछ को मिला, कुछ कंपेंसेशन मिला, इंसेंटिव मिला, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अभी भी अमेरिकन इकोनॉमी उस दर से नहीं रिकवर कर पाए जिस दर से करनी चाहिए थी। तो लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है, इकोनॉमिक फ्रंट पे मान लिया ट्रंप की बात सही थी, लेकिन अब उतनी सही नहीं है। और दूसरी तीसरी चीज, एक सबसे बड़ी चीज आप देखिए इसमें ये होगी कि अमेरिकन मतदाता, माफ कीजिएगा मुझे कहने के लिए ब्लंट होके, अमेरिकन मतदाता इस मामले में बहुत ही मूर्ख टाइप होता है। वो शायद भारतीय मतदाता भी कुछ हद तक ऐसे ही हैं कि वो जो अभी हालिया घटनाएं होती हैं उस पर ज्यादा ध्यान देता है, पुरानी चीजों पर नहीं। तो हालिया घटना ये है कि कोरोना फिर से अमेरिका में आ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं, और इसलिए ट्रंप को परेशानी, ट्रंप ये जानते थे, और इसीलिए देखिए, इसीलिए आज 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पोस्टल बैलेट किया है, क्योंकि ट्रंप का जहां एक बार कहना था कि कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना का उपहास करते थे, उन्होंने कहा आप लोग सारे लोग वोट पोलिंग बूथ पर आइए और वोट डालिए, वहीं जो बाइडेन ने अपने लोगों से कहा कि कोरोना की बहुत बड़ी महामारी है और इससे बचने के लिए आप सुरक्षित रहे और पोस्टल बैलेट से वोट डालें। और इसीलिए पिछली बार 3 करोड़ से भी कम पोस्टल बैलेट थे, इस बार 10 करोड़ से भी ज्यादा है। तो पोस्टल बैलेट का इसीलिए इस्तेमाल ट्रंप किया। को ये परेशानी हो रही थी, ट्रंप ने पहले भी कहा था इलेक्शन से पहले भी कि धांधली होने की संभावना है, इलेक्शन से पहले भी ये कहा था कि पोस्टल बैलेट्स नहीं माने जाने चाहिए। इनफैक्ट टेक्सास में वो रिपब्लिकन्स ने 4 दावे भी दायर किए जो कि खारिज हो गए, क्योंकि टेक्सास जहाँ की गवर्नर है वो रिपब्लिकन पार्टी का है, टेक्सास में भी कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, इस बेसिस पे कि पोस्टल बैलेट हैं, दावे खारिज नहीं किए जा सकते। अब इस बेसिस पे वो जी ये तो तकनीकी बात हुई अमेरिकी चुनाव की, रिजल्ट के साथ ही साफ हो जाएगा कि कौन अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा, ट्रम्प कंटिन्यू करेंगे या फिर जो बाइडेन को कमान मिलती है। एक सवाल यह है कि अगर जो बाइडेन मैदान में जीत जाते हैं तो क्या ट्रम्प का हारना हिंदुस्तान के लिए भी नुकसानदेह होगा? जो संबंध रहे हैं भारत अमेरिका के, और ट्रम्प जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते थे, अक्सर वो वीडियोस वो फोटोज काफी शेयर होती थी जिसमें ट्रंप
ट्रंप की हथेली पर हाथ मार रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी और पूरी दुनिया देख रही थी। वो एक बड़ा अविस्मरणीय पल था। क्या ये माना जाए कि भारत को ट्रंप की हार से कोई नुकसान होगा? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से ट्रंप को हारने से या बाइडेन को जीतने से भारत को कोई खास नुकसान है, कुछ मामूली नुकसान शायद, मैं कह रहा हूँ शायद हो तो हो, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए पहली चीज ये कि दो देशों की पॉलिसी, किसी भी दोनों देश के बीच में संबंध, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के अध्यक्ष, शासनाध्यक्ष के व्यक्तित्व पे या दोनों के बीच की केमिस्ट्री पे नहीं निर्धारित होते। बहुत ही कम काम करता है दिखाने के लिए, भले हो कि ट्रंप ने इतना गले लगा लिया, वो सब कर लिया, लेकिन ये वही ट्रंप है जो कि आज गले लगाते हैं और कल को कहते हैं कि कश्मीर के मामले पे मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं, ईरान की भी पीठ थपथपा देते हैं। वही ट्रंप है जो कि कई बार ये कहते हैं कि नहीं, ये 370 और कश्मीर ये उनका अपना मामला, फिर कहते नहीं, दोबारा कहते हैं कश्मीर पे मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूँ। वही ट्रंप है जो कहते हैं कि मोदी ने मुझसे कहा था और मैंने मोदी से की मध्यस्थता करी और मैंने कहा मैं तैयार हूँ। वही ट्रंप है जो इतना ज्यादा बड़बोलापन करते हैं कि वो ये कहने में नहीं संकोच करते कि अगर कि मैं भारत और चीन के बीच में तनाव कम करा सकता हूँ, मध्यस्थता करा सकता हूँ। कोई उनसे पूछे कि आपकी और चीन के बीच में जो तनाव, उसको तो पहले कम कराइए, अपने घर को नहीं देख रहे। तो अमेरिका ट्रंप बात चुनाव तो में जी एयर क्वालिटी के लिए भारत को जिम्मेदार मानते हैं। अमेरिकी चुनाव में भारत का प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा ट्रंप ने उठाया और ये कहा कि भारत की वजह से ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर में फैल रही है। सर, ये तो बात हुई डोनाल्ड ट्रंप की, आपने बड़े विस्तार से समझाया। जो बाइडेन जो है उनको लेकर आपकी क्या राय है? आपने काम किया देखिए है, आप साउथ अमेरिका में रहे हैं। जो बाइडेन का जीतना भारत के लिए हितकर है, क्योंकि इनके जो पुराना ट्रैक रहा है जो बाइडेन का, कश्मीर के मुद्दे पर भी उन्होंने कई बार स्टेटमेंट दिए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत के खिलाफ काफी कुछ बोला है। उनके साथ साथ जो उपराष्ट्रपति अगर बनती है कमला हैरिस, वो भी कई बार इस तरह के बयान दे चुकी हैं। तो क्या उनसे हम कोई पॉजिटिव उम्मीद लगाएं? हालांकि आपने कंफर्म कर दिया है कि सिर्फ नेता ही सब कुछ तय नहीं करते, पूरी एक टीम काम करती है जो पॉलिसी बनाती है। देखिए ये सिर्फ जो बाइडेन की या कमला हैरिस की बात नहीं है, डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिसी रही है कि वो बढ़ चढ़ के मानवाधिकार के उल्लंघन पे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन पे बातचीत करते रहे हैं, और इसी संदर्भ में उन्होंने कई बार कश्मीर का, कई बार पाकिस्तान का भी जिक्र किया है, ईरान का भी जिक्र इसी संदर्भ में उन्होंने किया है। और इतना ही नहीं, वो CAA और नेशनल रजिस्टर वगैरह पर भी दोनों ने बोला है, बाइडेन और कमला ने भी। लेकिन इसके साथ हमें एक चीज ये ध्यान रखनी चाहिए कि यही चीज कुछ हद तक हमारे पक्ष में भी जा सकती है। पक्ष में इसलिए जा सकती है कि हमें पता है वो कितना बोलेंगे इस पर, और हमें ये पता, जबकि ट्रंप के बारे में नहीं पता है कि वो कब क्या बोलेंगे। बाइडेन की पॉलिसी हमें कम से कम, अगर बाइडेन आएंगे तो 5 साल तक पता रहेगा कि बाइडेन की पॉलिसी क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिसी क्या है, और हम अपने उसी पॉलिसी पॉलिसी टूल्स को या इनिशिएटिव को उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, क्यों हमारी हमारे फायदे में रहेगी? क्योंकि आज की दुनिया में मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा अहंता जो है वो चीन है, और बाइडेन ने, आपने अगर ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ महीनों में चीन को लेकर के बड़े तल्ख बयान देने शुरू किए, हांगकांग पे, शिंग्यान पे और इनर मंगोलिया पे और इवन तिब्बत पे बड़े तल्ख बयान दिए हैं। तो जो लोग पहले कहते थे कि चीन के साथ उनकी नीति जो है वो थोड़ा सा समझौतावादी है, ट्रंप ने तो एकदम से चीन को निकाल बाहर किया, लेकिन वो नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब क्या, क्योंकि देखिए क्या है कि चीन के लिए ही उन्होंने कहा है कि हम दक्षिणी सागर में, दक्षिणी चीन सागर में हम दो बेड़े अपने परमानेंट रखेंगे। वो चीन के लिए बहुत बड़ी धमकी है, चीन के लिए दो बेड़े परमानेंट रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को, हम भारत का साथ देंगे चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। इसके साथ ही साथ एक चीज ये भी देखिए कि ये ओबामा का ही एडमिनिस्ट्रेशन था जिसने पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारा था,
ये ओबामा का ही एडमिनिस्ट्रेशन था जिसमें जो जो बाइडेन उपराष्ट्रपति के तौर पे यहाँ आए थे और 1-2-3 एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें उनकी बड़ी अहम भूमिका थी। तो परमाणु जो प्रसार संधि थी उसको लेकर हाँ भी जो बाइडेन की भूमिका काफी पॉजिटिव रही थी भारत के लिए। त्रिपाठी जी, एक सवाल ये है कि सामरिक दृष्टि से और कूटनीतिक दृष्टि से आपको लगता है कि बाइडेन भारत के लिए एक अच्छे नेता साबित होंगे, लेकिन क्या रोजगार, नौकरियां, व्यापार, इन सबको लेकर भी हम बाइडेन सरकार से उम्मीद लगा सकते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वामपंथ सोच की पार्टी है, बाइडेन के बयान भी वामपंथी सोच के होते हैं, तो क्या अपने देश में भारतीयों के लिए और ज्यादा रोजगार की संभावनाएं बनेंगी? क्योंकि ट्रंप सरकार में H1 वीजा को लेकर जिस तरह से उतार चढ़ाव देखे गए, भारतीयों को कई जगह से निकाला गया, क्या अब अच्छा माहौल बनने वाला है अमेरिका में? देखिए, बाइडेन ने साफ कर दिया था कुछ दिन पहले कि H1 वीसा के को वो और उदारीकरण उसका करेंगे, उसको उदार बनाएंगे, ज्यादा वीसा इशू करेंगे इंडियंस को। तो एक तो ये चीज थी। दूसरी चीज, अगर दोनों देशों के बीच की व्यापार की बात है तो व्यापार भी बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा कि ये अगर रिपब्लिकन पार्टी का कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो मैं निश्चित कह सकता था कि भारत के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे, क्योंकि ट्रेडिशनली रिपब्लिकन पार्टी का झुकाव भारत की ओर रहा है और डेमोक्रेटिक का थोड़ा सा अपोजिट रहा है, ह्यूमन राइट्स वगैरह के चलते। और लेकिन अगर ट्रेडिशनल कोई होता तो यहाँ जो अभी करेंट कैंडिडेट है इनके बारे में कुछ ये कह सकते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल है। इनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या कहाँ बोल दे। पॉलिसी रिपब्लिकन की भी सही है लेकिन कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ये कुछ बोल देते हैं बाद में से स्टेट ऑफिस को लिपापोती करके बयान इधर उधर बदल के कुछ बताना पड़ता है, तो इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। अदरवाइज ये भी भारत के काफी नजदीक होते। और एक चीज ये इस विषय पर कि चाहे बाइडेन हो चाहे ट्रंप हो, आज भारत को अमेरिका की जितनी जरूरत है उससे शायद ज्यादा जरूरत अमेरिका को भारत की, क्योंकि सर अमेरिका बिल्कुल आपने को ठीक भी कहा। बाजार चाहिए, डिफेंस चाहिए, अमेरिका को चीन और रूस दोनों को रोकने के लिए चाहिए। और एक चीज और मेरे ख्याल से बाइडेन के आने से ठीक होगी कि बाइडेन हमेशा से, बाइडेन ने ट्रंप के इस कदम का विरोध किया है कि जो उसने ईरान के साथ परमाणु संशोधन का समझौता रद्द किया था उसके वो खिलाफ थे, और वो कहते रहे हैं कि हम ईरान के साथ फिर से इस समझौते में आएंगे। अगर वो आ जाते हैं तो ईरान से सेंक्शन हट जाएगा, और अगर सेंक्शन हट जाता है तो हमें ईरान से तेल लेने में आसानी होगी, बिजनेस में आसानी होगी, और उसकी वजह से पाकिस्तान दबाव में आएगा। आपने कहा कि एशिया की एक बड़ी महाशक्ति है हिंदुस्तान, तो ऐसे में बाइडेन के लिए भी जरूरी है भारत के साथ बिल्कुल अच्छे संबंध बनाना। एक आखिरी सवाल सर, ट्रंप के जो पूरा टेन्योर था इस दौरान एक बड़ी कॉमन सी बात सामने है कि पत्रकारों को लेकर ट्रंप का व्यवहार थोड़ा अलग रहता था। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो पत्रकारों पर झड़क पड़ते थे, बायकॉट उनका किया गया बड़े इंटरनेशनल मीडिया ने। आपको लगता है कि उसके बाद जिस तरह से कोविड का एक पूरा कहर अमेरिका में सबसे ज्यादा टूटा, उसके बाद जो रिपोर्टिंग अमेरिका में हुई उसका नुकसान भी ट्रंप को हुआ है जो इन चुनावों में दिख रहा है? जी बिल्कुल, रिपोर्टिंग से भी नुकसान हुआ है, कि क्योंकि पत्रकारों को भी जिस तरह से वो डांट देते थे, जिस तरह से भगा देते थे, जिस तरह से वो उनको एक तरह से झिड़क देते थे, तो अब पत्रकारों को ही नहीं आम जनता में भी कई लोगों को, डॉक्टरों के प्रति उनका ये था कि डॉक्टर सिर्फ पैसा बनाने के लिए कोरोना का हुआ खड़ा कर रहे हैं, तो ये सब चीजें भी हैं, वो फर्क पड़ता है। लेकिन रिपोर्टिंग की जहां तक बात है, मैं वापस आता हूँ कि रिपोर्टिंग से मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके अपने रिपोर्टर्स काफी, उनके डेडिकेटेड रिपोर्टर्स, कमिटेड रिपोर्टर्स बहुत थे। जैसे फॉक्स न्यूज जो है, फॉक्स न्यूज तो राइट एंड आउट प्रो ट्रंप है, ऐसे ही कई अखबार भी ट्रंप के ही ओर से बोलते थे चाहे जो हो जाए, तो वहां भी पूरा ध्रुवीकरण हो गया था। लेकिन अभी जो है, अब शायद कोई सिचुएशन बदले, अब थोड़ा सा, क्योंकि एक चीज होती है कि पॉलिसी में एक ठहराव हो, और वो ठहराव अगर आपको पता है कि किस दिशा में किस देश की नीति जा रही है,
आपको अपनी विदेश नीति को निर्धारित करने में आसानी होती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया पूरे अमेरिकी चुनाव को कैसे वहां प्रक्रिया चल रही है, आने वाले समय में किस करवट ये पूरा रिजल्ट जा सकता है। इसके साथ साथ अगर जो बाइडेन भी अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि बिना हिंदुस्तान का साथ दिए दुनिया का कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये हर देश समझ चुका है और आपने भी समझाया कि जो बाइडेन के लिए भारत क्यों जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बातचीत के लिए। त्रिपाठी जी, आपका धन्यवाद।